Collenchyma chyma is also a living tissue it is a simple living tissue composed of elongated cells and morphologically it is a simple tissue because it having the only one type of cell in this cell wall are thickened as compared to the parenchyma cells here the deposition is pectin जो टिश्यू भी थिकनिंग्स थी प्रोजेनकाइमा में बट वहां पर कोलनकाइमा में इस टाइप से ये देखोगे आप जो सेल वॉल की थिकनिंग्स है यहाँ पे कॉर्नर्स पे भी हो सकती है या ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ थिकनिंग इन द कोलकाइमा

प्रेजेंट होंगे बट जैसे ही वो फुली डेवलप होती है उसकी जो लास्ट स्टेजेस डेवलपमेंट की वहाँ पे जो इंटरसेलर स्पेसिज है वो डिसअपियर हो जाएंगे ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ सेल या फिर इंटरसेलर स्पेस है डिपोजिशन होगा उसकी वजह से कोलनकाइमा जो है ऑल ओवर द प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा मेनली जो प्राइमरी प्लांट बॉडी है इट मे बी प्रेजेंट बिन द एपिडर्मिज और बिलो ए फ्यू लेयर ऑफ पेरनकाइमा Like स्टेम में है वहाँ पे कंप्लीट सिलेंडर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा या फिर स्ट्रिप्स की फॉर्म में लीव्स में है जो मिड हमारी प्रेजेंट प्रेजेंट होती है उसके दोनों साइड में होगा या फिर जो लेमिनार रीजन है उसके साथ में प्रेजेंट होगा कोलन कायमा मोस्टली जो अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट बॉडी के वहां पे एबसेंट होगा बिकॉज वहां पे जो कम्पेरेटिवली जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है प्लांट को कम चाहिए एज कंपेयर टू द अपग्राउंड पार्ट सो इस वजह से जो कोलनकाइमा है वो अंडरग्राउंड पार्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। इनकी जो शेप्स और साइज है उसमें बहुत सारे वेरिएशन मिलेंगे हमें जो स्माल सेल्स लुक लाइक दायमेट सेल्स वाइज जो लॉन्गर वन है, like है उनके टेपरिंग एंड्स होंगे एंड दैट शो द रिजेम्बलेंस टू दस फाइबर्स क्योंकि उसके अंदर भी थिकनिंग्स है

तो डिवाइड किया गया है इन थिकनिंग बेस पे एंगुलर कोलमा एनुलर कोलमा प्लेट लेमुलर और टेंजेंशियल कोलनकाइमा लेक्युनर और ट्यूबुलर कोलन का एंगुलर कॉलेनकाइमा नाम से ही है कि इसमें जो डिपोजिशन होगा वो पे पे एंगल्स पे होगा जैसे यहाँ पे है जो सेल वॉल के एंगल्स होंगे वहां पे डिपोजिशन होगा सब्सटेंस का और उसकी वजह से जो सेल्स हैं दैट आर कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस इस टाइप की जो थिकनिंग से आपको स्टेम ऑफ धतुरा या जो लाइकोपर्सिकन है उसमें देखने को मिलेंगी जैसे यहाँ पे ये माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है इस टाइप से इसमें थिकनिंग्स आपको देखने को मिलेंगी या जो यहाँ पे है ही ये सारे के सारे क्या है एंगुलर थिकनिंग से कॉलेन काइमा की पूरी जो वाल है उसमें यूनिफॉर्म थिकनिंग नहीं होगी जैसे यहां से थिन है बट जो एंगल्स है ज्वाइंटिंग एंगल्स है वहां पे इसमें थिकनिंग्स प्रेजेंट होंगी नेक्स्ट इज एनुलर थिकनिंग

तो ये थिकनिंग दो एंगल्स की जो थिकनिंग है वो एक दूसरे के साथ में फॉर्म करके एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेंगे तो इसमें कंफ्यूजन होता है जब एंगल्स पे हाई थिकनिंग हो जाती है तो वेदर इट इज थिकनिंगल का और एंगुलर कोलेन कायमा तो इसके अंदर जो डिस्टिंक्शन है डिफरेंस है वो काफी डिफिकल्ट है खासकर जब उसमें एंगुलर कोलन कायमा में मैसिव थिकनिंग हो जाए तो नेक्स्ट इज प्लेट और लेमुलर और टेंजेंसियल कोलमा मीन्स एक प्लेट लाइक या या जो है या फिर जो है तो जो है फिर टेंजेंशियल वॉल होती पे थिकनिंग्स प्रेजेंट होंगी और, जो होंगी, वहाँ पे थिकनिंग बहुत कम होगी। और इसकी वजह से जो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स है दैट इज अपियर लाइक ए प्लेट और ए लेमला दैट्स वाई इट इज एज प्लेट और लेमर कोलमा एग्जाम्पल्स हैं इसके रेफेनेसेवस एंड सेम्बकस नेक्स्ट इज लेकुनार और ट्यूबुलर कोलेनकाइमा नाम से ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये देखो आप इसमें ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बना रही हैं सेल कि कोई पोर्शन है उसके अंदर डिफरेंट जो ट्यूब्स है वो इंसर्टेड है तो इसको हम बोलते हैं लेकुनार और ट्यूबुलर कोलेनकाइमा इस टाइप का जो कोलेनकाइमा है इसमें जो सेल वॉल थिकनिंग्स है वो सिर्फ जो बॉर्डरिंग ऑफ सेल जो ये एयर स्पेसिस प्रेजेंट है सेल को जो बॉर्डरिंग कर रहे हैं सिर्फ इनमें जो एयर स्पेसिस है जो सेल वॉल के चारों तरफ जो बॉर्डरिंग है उसी के अंदर सिर्फ सेल वॉल की जो बॉर्डरिंग है जो एयर स्पेसिस है वहां पे थिकनिंग्स प्रेजेंट होंगी मीन्स जो ये इंटरमीडिएट टाइप की थिकनिंग्स है एंगुलर और लेमुलर कोलेनकाइमा में क्योंकि लेमुलर में भी ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर -like बना रहे हैं और एंगुलर में एंगल्स पे है तो इसमें क्या है जो कैविटी सराउंड करती है कोलमेट सेल्स को उस कैविटी में चारों तरफ थिकनिंग्स प्रेजेंट होंगी और यह हमें एक ट्यूब लाइक -like अपियरेंस देगी जिसकी वजह से इसको ट्यूबुलर कोलमा बोलते हैं तो यहाँ पे जो इस टाइप का को जो कोलनकाइमा है उसमें इंटरसेलर स्पेसिस जो है वो लार्ज इंटरसेलर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं दिस आर फिल्ड बाय दिस पेक्टिक सब्सटांसेज दिस टाइप ऑफ कोलमा फाउंड इन साल्विया मालवा और एलदे नाउ कम्स टू द फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा क्या मेन फंक्शन जो है कोलेनकाइमा का दैट इज मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बट अलॉन्ग विदिडरेबल इलास्टिसिटी की मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करता है बट बिल्कुल टाइटनेस होगी होगी उसमें इलास्टिसिटी भी प्रेजेंट होगी सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द ऑर्गेन फ्रॉम टीयरिंग ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ विंड क्योंकि अगर बिल्कुल रिजिड होगा वो तो जैसे ही विंड के इफेक्ट होंगे तो उसकी वजह से वो टीयर हो जाएगा इट प्रोवाइड द टेन्साइल स्ट्रेंथ फॉर द डेवलपिंग ऑर्गेन ऑफ द प्लांट बॉडी